हेलो फ्रेंड्स, वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम परम्यूटेशन के ऊपर ही दूसरा हमारा वीडियो बनाने वाले हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इससे पहले मैं बेसिक क्लास बना चुका हूँ, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल मिस्टेक आती है, समझ नहीं पाते एक्चुअल परम्यूटेशन होता क्या है। उस पर मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, विथ फॉर्मूला, विथ टेक्निक, सारी चीज़ें समझाई हैं। आज हम इस सेकेंड वीडियो में इसके आज से हम क्वेश्चन की वेराइटी करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम परम्यूटेशन कम्प्लीट करेंगे, वेराइटी कम्प्लीट करेंगे उसकी, देन वी विल स्विच ऑन दी कॉम्बिनेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आते हैं तब जाके आप प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देख लेते हैं हम आगे, आज के जो हमारा क्वेश्चन है पहला, उससे स्टार्ट करेंगे तो हमें समझ में आएगा एक्चुअली ये क्वेश्चन बनता कैसे। और स्टार्ट करने के पहले बोलूंगा, जो हमारा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं वो हमारा वीडियो टिल दी एंड देखें, आखिरी तक देखें, आपको खुद लगेगा कि यहाँ पर क्या कंटेन है। तो मैं ये चाहता हूँ इस चीज़ को आप औरों तक भी शेयर करें, जिससे उनका भी फायदा हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, शब्द होम के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। ओके, वर्ड होम कैन बी अरेंज इन हाउ मैनी वेज। आपको ये रीअरेंज, कैन बी रीअरेंज, तो आपको क्या व्यवस्थित करना है अलग अलग तरीकों से। ओके, इन डिफरेंट वेज। तो देखते हैं यहाँ पर कि हमारा क्या, पहले तो मैं लिख लेता हूँ आपके सामने होम, और मैं चाहूँगा आप लोग अपने नोट्स भी बनाओ, टाइप वन लिखो इसे और नोट्स में भी टाइप करो। होम से स्टार्ट कर रहे हैं हम, टाइप वन। मुझे बोला गया है शब्द होम के अक्षरों को मैं कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित कर सकता हूँ, रीअरेंज कर सकता हूँ। तो पहले तो मैं काउंटिंग करूंगा, भाई इसमें अल्फाबेट्स हैं कितने, 1, 2, 3 एंड 4। कितने अल्फाबेट्स हैं, 4 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, आपको पूरे के पूरे रीअरेंज करने ना, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको एक चीज और देखनी है, मैंने पिछली बार भी फॉर्मूला बताया था, इस बार भी बता रहा हूं, NPR बराबर क्या होता है। ठीक है, अब इससे भी मैं आपको करके बताऊंगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा। जब पूरे के पूरे वर्ड करने हो ना, मतलब मेरी बात समझ रहे हो, जब पूरे के पूरे आपको हमेशा अटेम्प्ट करने हो, पूरा का पूरा रीअरेंज करना है, तब तो सीधे सीधे क्या करा करो, सिर्फ फैक्टोरियल एन, क्योंकि नीचे आएगा फैक्टोरियल 0, जिसका मतलब होता है 1। कैसे देखते हैं, इसका मतलब क्या है, पूरे पूरे अरेंज करने 4 और आर की जगह पे भी 4, मतलब फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है दोस्तों 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ऊपर मैं फैक्टोरियल 4 ओपन कर देता हूँ, 4 × 3 × 2 × 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 24। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 24। बहुत आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर होम नाम का मुझे शब्द दिया था, वर्ड दिया था, उसके अल्फाबेट्स थे जिसे मैंने काउंट किया, 1, 2, 3, 4, 4 अल्फाबेट्स थे आपके, उनको मैंने फॉर्मूले में पुट किया। आप ये याद रखो, आज के बाद आप नीचे वाली स्टेप तो करोगे ही नहीं, मैंने पहली बार ही बोल दिया था। आप तो देखा करो आर कितना है, उतना फैक्टोरियल आप ओपन करो काउंट करके, मतलब आप एक तक मत जाओ, आप आखिरी तक जाते ना फैक्टोरियल ओपन करते 4, 3, 2, 1, आप देखो कहां तक ओपन करने, कितने अंक उसके बाद काउंट करने। जैसे इसमें कितना था आर, 4, तो हमें 4 × 3 × 2 × 1 तक जाना पड़ा, हमें कहां तक खोलना पड़ा। और आप ये याद रखिए, जब एन और आर बराबर है तब तो आपको पूरा फैक्टोरियल ओपन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, टाइप 2। शब्द कॉफी के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। ओके, The alphabets of word coffee can be rearranged in how many ways? तो जो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं लिख देता हूँ कॉफी की स्पेलिंग, भाई आपकी कॉफी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड हियर इज द फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, मैं हमेशा लिखता हूँ क्योंकि आप लोगों को हमेशा आइडिया रहना चाहिए भाई हम क्या फॉलो कर रहे हैं और क्या नहीं। लेकिन अब आपको पता है पूरे के पूरा करना है रीअरेंज, तो हम सिर्फ फैक्टोरियल एन लेंगे, बाकी नीचे वाला तो हमें एन और आर बराबर हो गया तो नीचे 0 मतलब 1 आ जाता, फैक्टोरियल 0 का मतलब 1 होता है, तो उसे लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ फैक्टोरियल एन ही सॉल्व करना रहता है जब एन और आर बराबर हो। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, NPR, चलो ठीक है भाई यहाँ पर मैंने किया तो 6P6, लेकिन मुझे एक और चीज़ करनी पड़ी फ्रेंड्स यहाँ पर। बाकी चीज़ें तो अपनी जगह बिल्कुल सही थी कि 6P6 करना है, जो करना है वो मैं कर रहा हूँ, दैट इज़ ओके टू मी, बट यहाँ पर
दो अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो कि डबल हैं, जो कि क्या है, डबल हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्टोरियल 2 का डिवाइड हमेशा करना पड़ेगा, मतलब जितनी बार रिपीट होगा उसका फैक्टोरियल नीचे डिवाइड कर दो। नाउ गेटिंग माय पॉइंट, मतलब क्या, जैसे ये कितनी बार रिपीट हुआ है, f, तो f के लिए एक बार होगा फैक्टोरियल 2, या 2p2 भी लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ फैक्टोरियल 2, मतलब एक ही होता है। इस 6p6 का मतलब भी फैक्टोरियल 6 है, आप लोग जान गए, क्योंकि सिर्फ फैक्टोरियल n लेते हैं, नीचे तो 1 आ जाता है। अब यहां पर ये किसके लिए है भाई, ये है f के लिए। अब अगर मैं देखूं e के लिए, तो उसके लिए भी फैक्टोरियल 2 लूंगा मैं, जो कि क्या होगा आपका e के लिए। तो आपको ध्यान रखना है इंडिविजुअल अल्फाबेट के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा, मतलब f दो बार था तो मैंने फैक्टोरियल 2 पहले f के लिए लिया, फिर e दो बार था तो मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 e के लिए। अगर f बाय द वे 3 बार होता तो मैं नीचे फैक्टोरियल 3 लेता, और f दो बार है तो मैं क्या लेता यहाँ पर, फैक्टोरियल 2 लेता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। 6p6 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 6, जब n और r बराबर हो तो आप डायरेक्ट फैक्टोरियल जो भी n और r की वैल्यू है डायरेक्ट वो फैक्टोरियल में लिख लोगे हमेशा। तो देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 6 लिखा मैंने 6p6 की जगह पर, जहाँ पर n और r बराबर हो डायरेक्ट आप वही वैल्यू लिखोगे। अब फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 1, तो 2 × 1 चलो, फिर इस फैक्टोरियल का 2 × 1। अब ऊपर क्या, फैक्टोरियल ओपन कर दो, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, नीचे 2 × 2 = 4, 4 × 4 कैंसिल। अब यह आंसर देख लो आप, आसानी से पता चल जाएगा भाई यहाँ पर 1 तक ओपन है, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर ने यहाँ पर 1 नहीं लिखा। 6 × 5 = 30, 33 = 90, 92 = 180, तो यहाँ पर कितना है टोटल 180। ये था आपका टाइप 2, जिसका आंसर आपका आया है 180 तरीके से आप व्यवस्थित कर सकते हो। तो आपको हमेशा ये चीजें ध्यान रखनी है कि रिपीटेशन आया है तो उस हिसाब से आपको फैक्टोरियल डिवाइड में भी रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आज के इस लेक्चर का जो तीसरा क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं, जो कि टाइप 3 है, जो कि कैसा होगा हम देखते हैं। ज्यादातर इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप अच्छे से अपने नोट्स भी बनाते रहिए, पैरेलल प्रैक्टिस भी करिए। चलिए, जो ये क्वेश्चन है, शब्द होम के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी स्वर साथ रहे, इसमें हमको क्या बोला गया है, हमको यही कंसंट्रेट करना है यहाँ। पहली बात तो आप वॉवेल्स देख लो, जिसे हम कहते हैं स्वर। ठीक है, स्वर कितने यहाँ पर, 2। आपको क्या करना है, HMOE। अब भाई ये दोनों एक दूसरे के हमेशा क्या रहे, साथ में रहे। और दूसरा टाइप आपका भैया क्या बनता है यहाँ पर, यह आप आसानी से देख सकते हो यहाँ, कि आपको कंसंट्रेट ये करना है कि HMOE जो आपका आ रहा है, इसमें जो OE है वो हमेशा साथ में रहे। तो आप क्या करोगे, जिन्हें साथ में रखना है उन्हें एक यूनिट की तरह काउंट करोगे, मतलब वो आपके लिए सिंगल अल्फाबेट का काम करे, 1, 2 और 3। लेकिन वो आपस में तो आगे पीछे, ये OE है, ये EO भी हो सकता है हर जगह कि नहीं हो सकता, आप बताओ, है ना। तो ये आपस में तो करेंगे, तो इसके लिए भी आपका क्या होगा, 2p2। समझ रहे हो मेरी बात, 2p2। देखो जब पूरे के पूरे करने हो तो उसे आप फैक्टोरियल 2 लिखो या 2p2, बात अलग है। जब अल्फाबेट्स बराबर हो, मतलब n और r बराबर हो आपस में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। ये किसके लिए होगा, इसके लिए। लेकिन यहाँ 1, 2, 3 के लिए क्या हो जाएगा आपका, 3p3 और इनटू में 2p2। आप समझ रहे होगे मेरा पॉइंट कि मैंने इस बार किया क्या है। हमने इससे पहले वाले में 4p4 करके सॉल्व किया था होम का पहला क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप में हमें बोला गया है कि जो अल्फाबेट्स हैं उसमें आपको नया चेंज आया है कि जो वॉवेल्स हैं, स्वर हैं, वो सदैव साथ में रहे। तो मैंने सदैव साथ में रखा तो उन्हें एक यूनिट की तरह काउंट किया, लेकिन वो आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं ना एक दूसरे के प्लेस में, वो भी साथ में तो रहेंगे। तो उसके लिए आपका क्या बनेगा, 2p2 रीअरेंजमेंट के लिए, और 1, 2, 3 इन तीनों के लिए क्या बनेगा, 3p3, और इन दोनों का क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई। 3p3 का मतलब फैक्टोरियल 3, 2p2 का मतलब फैक्टोरियल 2। अब 3 × 2 × 1 और 2 × 1, 3 × 2 × 6 कितना हो गया, 12। तो आपका आंसर कितना है दोस्तों यहाँ पर, 12। आई होप जो मैंने आज ही आपको तीन टाइप समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आने वाले लेक्चर में मैं और भी टाइप जो इसके बनते हैं पूरे वेरिएशन के साथ, जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, वो लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि आप लोग
कंटिन्यू हमारे वीडियो वॉच करिए, आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए कि आप लोग अगर हमारे जो ये वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस की फैमिली है जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा होगा, उतना हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, तो इसके लिए ये भी अच्छा है। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले लेक्चर में आगे का लेक्चर लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.